सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं मंदिर। तो ये वाला साड़ी पहने आप लोग बहुत पहले देखे होंगे मेरे बर्थडे वाले दिन, तो उसके बाद से आज निकाले हैं पहनने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर, पूजा करते हैं। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं मंदिर तो अच्छा लगता है। अगर यहाँ वाला मंदिर जाओ ना तो भगवान जी लोग हैं तो देख बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। और ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है बताइएगा। वैसे ही ये सब के बारे में आने के बाद आपसे बातें करेंगे, नहीं तो देर हो जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं घर वाले मंदिर। सो गाइस, फिर आ गए घर वाले मंदिर में। सबसे पहले यहाँ पे अगरबत्ती दिखाएं, और हमेशा घर से पूजा स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी मंदिर जाने से पहले घर पे कर लेना चाहिए पूजा, उसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। तो यहाँ हम अगरबत्ती दिखा के पूजा किए, और मंदिर जाना था जल्दी से क्योंकि सुबह में थोड़ा हड़बड़ हो जाता है क्योंकि ड्यूटी भी रहता है ससुर जी और पतिदेव का, तो फटाफट से सब कुछ करना रहता है। और जल्दी उठे भी थे आज, बहुत जल्दी उठ गए थे आज ताकि टाइम पे हम पहुंच जाए मंदिर, मतलब पूजा भी हो जाए और किचन का काम भी हो जाए क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर माँ भी पूजा कर रही थी। फिर यहाँ पे फ्रीज से आ गए थे मिठाई ले जाने के लिए भगवान जी लोगों को चढ़ाने के लिए। और ये गाइस मिठाई आया हुआ था विदाई के टाइम, हम आप लोगों को दिखाना भूल गए थे। तो ये सारा जो मिठाई था, आधा तो सारा ख़त्म भी हो चुका है, बट उस समय याद ही नहीं आता ये सारा कुछ कि हम ये सब भी दिखाएं, बट आ गए तो आज दिखा दिए। तो यहीं था सारा मिठाई वगैरह, तो फिर ले जाना था पूजा रूम में, मतलब चढ़ाने के लिए। और ये फ्रिज जो है ना, ये हम लोग का अंगव ही है, इसमें जो भी सामान रखाता है वो पूजा का ही रखाता है ज़्यादातर। मतलब हम लोग जूठा हाथ से नहीं छूते, प्याज लहसुन वगैरह इस सब में कुछ नहीं रखते हैं इस वाले फ्रिज में, तो इसलिए मतलब इजी भी रहता है, अच्छा रहता है। हम लोग कुछ भी पूजा कर रख लेते हैं उस वाले फ्रिज में, और एक किचन में फ्रिज है उसमें अपना किचन का सामान रख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर माँ भोग लगाई दुर्गा माँ और सारे भगवान जी लोगों को। सो गाइस, हम जा रहे हैं मंदिर बहुत दिन बाद, माँ तो हमेशा जाती हूँ। चलिए चलते हैं, लेट हो रहा है। फिर हम दोनों सास बहू पहुंच गए यहाँ मंदिर में, और हमेशा हम लोग मंदिर में ना सबसे पहले पहुंचे होते हैं, पंडित जी के बाद हम ही लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और सुबह में जो पूजा करने में सुकून मिलता है ना, वो बाद में नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे माँ जल चढ़ाई महादेव जी को और सारे भगवान जी लोग को, और फिर हम भी चढ़ा दिए थे। उसके बाद दुर्गा माँ का यहाँ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद लीजिए और दुर्गा माँ आप सभी पे अपना कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पे फिर हम भी यहाँ सोचे कि जल चढ़ा देते हैं, माँ भी सबको जल चढ़ा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर हम बोले कि है जल तो हम लेके और हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जल चढ़ाएँ, और हमेशा जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए माँ बोलते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा डाल दिए थे प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे महादेव जी को हम भी जल चढ़ाएं, और दुर्गा माँ और बजरंगबली सभी को फिर चढ़ा दिए थे। मंदिर से और जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं क्योंकि मेरे को ना 6:30 के बाद टाइम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट ज़्यादा नहीं हुआ है, बन जाता है 7 बजे भी अगर हम स्टार्ट करें तो। बट एक होता है ना वो हड़बड़ी वाला हो जाता है, अगर आप पहले से करो तो वो ठीक से हो जाता है। तो वही बात है, तो आज का सुबह का शुरुआत कुछ इस तरीके से हुआ है, और ऐसे अगर हो शुरुआत तो बात ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव सब फीलिंग्स आता है और अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं ये भोजन। पहले तो हम अपना बर्तन वगैरह रख देते हैं, उसके बाद फिर आप।
सो गाइज आज का ब्लॉग देखिएगा एंड तक। पतिदेव का गिफ्ट, मतलब हम लोग इतना सरप्राइज हो गए थे ना, बहुत प्यारा गिफ्ट उनको मिला है जो बहुत टाइम से चाहते थे, तो वही गिफ्ट मिला है उनको। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में मतलब वो है जो गिफ्ट आया उनके लिए, और बर्थडे से दो दिन पहले ही उनको गिफ्ट भी मिल गया था। बट ये ब्लॉग जिस दिन जाएगा उसी दिन मेरे पतिदेव का बर्थडे भी है, तो आप सभी कमेंट में विश ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ किचन में आए फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए, ताकि नाश्ता बना के उसके बाद जो और कुछ काम करना है कर लें। तो यहाँ पे ये वाला मिठाई खा रहे थे, और हमेशा हम मिठाई खा के ही पानी पी लिया करते हैं क्योंकि सुबह में प्यास लग जाता है, तो इसलिए। सब लोग मतलब ससुर जी और पति देव, और हम भी वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे, और अब जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद फिर जाना है हम लोगों को मार्केट, मेरे को और सासू माँ को। तो चलिए मार्केट जाना था, इसलिए सोचे कि जल्दी जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में लेट भी हो सकता है, कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को नहीं पता था, नहीं तो आके ही करते, उतना लेट अभी नहीं हुआ था फिलहाल। बट जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम नाश्ता कर लिए थे और एक दो रील्स भी बनाए थे। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, तो वहाँ ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको रील्स देखने मिलेंगे। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं काम से बाहर, हम लोग आज प्रिंटेड साड़ी पहने हैं दोनों को सेट सेट। तो चलिए चलते हैं और दिखाएंगे क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या शॉपिंग करें। चलिए धूप चला गया, अच्छा हाँ हम लोग निकले वैसे ही धूप चला गया, चलिए चलते हैं। तो मार्केट से लेना था ब्लाउज़ का कपड़ा सासू माँ के लिए, तो वहीं हम लोग कपड़ा लिए, ब्लू एंड रेड दोनों कलर लेना था, तो दोनों कलर हम लोग ले लिए। और भी बहुत सारा सामान लेना था, बट उससे पहले जाना था डॉक्टर के पास, तो सासू माँ के साथ फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि माँ का तबीयत सही नहीं रह रहा है फिलहाल, तो उनका जो दवा है इंजेक्शन पड़ रहे हैं डेली डेली, ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रहा है, तो इसलिए हम लोग पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद सोचे कि उसके बाद मार्केटिंग वगैरह जो भी करना होगा करेंगे बाद में, पहले वो कर लेते हैं। और ये भी दुकान पे हम लोग पहले नहीं आने वाले थे, बट रास्ते में ये दिख गया तो सोचे कि ले लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। सो गाइस सामान ले लिए हैं, अभी आए हैं डॉक्टर के पास, सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो उनको इंजेक्शन लेना होता है, डॉक्टर के पास आए उनका इंजेक्शन दिलाएगा। फिर यहाँ पे माँ इंजेक्शन वगैरह लेके आ गई थी, और इंजेक्शन लगने वाला था, और मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब डर लगता है दूसरे कोई का देख के जब इंजेक्शन पड़ता है तो, और बहुत लोग को डर लगता होगा, वैसे तो मेरे को तो बहुत सारे इंजेक्शन पड़े हैं, बट दूसरे का देख के और मेरे को डर लगता है, जितना खुद पे नहीं लगता उतना, हम खुद के टाइम नहीं डरते हैं बट दूसरे का देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, तो यहाँ से डोसा पैक करवा लिए, ये डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं भैया, हम दूसरी बार खा रहे थे, ये एकदम घर के पास में ही बेचते हैं, लेकिन सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बनाए थे ना आज वाला, और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो रास्ते में दिखा तो सासू माँ बोली कि डोसा ले लो खा लेना, तो फिर यहाँ से हम लोग डोसा ख़रीद लिए थे, और यहाँ हर एक तरह का डोसा दे देते हैं भैया, बिना प्याज वाला खाना हो तो वो भी दे देते हैं। गाइस आगे मार्केट से घर, ढेर सारा काम जो है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा जो किचन का नल है वो ख़राब हो गया है, तो अचानक से ससुर जी का कॉल आया कि प्लम्बर आ चुका है, तो हम लोग ताला मार के चले गए थे मार्केट, तो इसलिए जल्दी जल्दी से घर आ गए हम लोग, आधा ही काम हुआ। और माँ डोसा ख़रीदी तो हम जा रहे हैं खाने, मेरे को डोसा बहुत अच्छा लगता है, साउथ इंडियन ये सब डिश होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए खा लेते हैं, बाकी जो काम होगा वो कभी और होगा, जो काम था। बहुत गर्मी है बहुत। फिर यहाँ दोपहर में आ गए किचन में, क्योंकि बनाना था चावल वगैरह, इसलिए दाल चावल और भुजिया, किस किस को पसंद है ये बताइएगा, मेरे को दाल चावल और भुजिया बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो सबसे पहले यहाँ दाल बैठा दिए, उसके बाद चावल बना दिए थे, और भुजिया तो तुरंत बन ही जाता है, आलू का जो भुजिया होता है वो, और ये तीनों साथ में गर्मा गर्म खाओ ना तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि क्या ही बताएं, मतलब अभी हम सोच रहे हैं तो फिर से खाने का मन कर दिया, बट गर्म ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा खाने पे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गर्म खाओगे आप लोग तो लगेगा कि और खाएं इस तरीके से। तो यहाँ फटाफट से हम
खाना बना दिए थे और मेरे को वीडियो भी शूट करना था आज, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारा काम कर रहे थे कि जल्दी से खाना बना देते हैं उसके बाद वीडियो शूट भी कर लेंगे। और गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना गाइस कि क्या ही बताएं, हद से ज़्यादा वाला गर्मी लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर लाइट भी कट गया तो इंडक्शन से फिर उतार के मेरे को रखना पड़ा, गैस पर रखना पड़ा। फिर यहाँ पर जो भाजा वगैरह सुबह में बनाए थे वो खाली किए कढ़ाई, और फिर कढ़ाई धो के उसी में भुजिया बना दिए थे। और ये रहा पतिदेव का गिफ्ट। और ये गिफ्ट क्या है आपको हम गिफ्ट मतलब ओपन हो रहा है तो आपको देखने मिलेगा, मतलब एकदम बहुत खुशी मिला था पतिदेव को। तो ये ससुर जी गिफ्ट किए हैं पतिदेव को, तो ये ससुर जी का गिफ्ट है तो वहीं मंगाए थे और यहाँ अनबॉक्सिंग हो रहा था। तो देख सकते हैं आप, गेस करिए कि क्या है, अभी कॉमेंट कर दीजिए कि क्या होगा इसमें और क्या गिफ्ट है ये। बहुत लोग समझ गए होंगे बट गेस करिए आप लोग कि क्या होगा गिफ्ट इतने बड़े बॉक्स में। और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। होता है ना खुशी देख के अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी इसको सबको मतलब जोड़ना होगा उसके बाद रेडी होगा। तो यहाँ ससुर जी सब कर रहे थे, ओपन करने के बाद जोड़ेंगे भी। तो ये रहा मेरे पतिदेव का बर्थडे गिफ्ट जो बर्थडे के पहले ही आ गया था। बर्थडे वाले दिन आता तो और मज़ा आता ना, लेकिन बर्थडे के पहले ही आ गया था, कोई बात नहीं आया तो सही। तो ये रहा गिफ्ट और आप लोग वेट कर रहे होंगे लास्ट तक वीडियो में, तो ये लास्ट में ही आया था तो हम सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए ये रहा जो एक्सरसाइज वाला साइकिल होता है वो है। 2:20 देख सकते हैं खाना वगैरह खा लिए लोग, और खाना आधा घंटा पहले ही खा लिए थे, फिर आके बैठे थे रूम में, यहाँ टीवी देख रहे थे ताकि नींद ना आए क्योंकि मेरे को वीडियो शूट भी करना था, बट पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रहा है, लग रहा है सो जाएं, और सो जाएंगे तो फिर काफ़ी लेट ही हो जाएगा और वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, बट क्या करें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो वो देखिएगा। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।